मानसून सत्र की, जहां सरकार की कोशिश है आज फूड सिक्योरिटी अध्यादेश समेत कई अहम बिलों को पास कराने की। इस सत्र में कुल 44 बिल रखे जाने हैं जिन पर विचार होगा। हालांकि पूरे सत्र में सिर्फ 16 बैठकें होनी हैं, ऐसे में तमाम कामों को निपटाना काफी मुश्किल रहने वाला है। मानसून सत्र में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कर दिया है कि वो संसद में फूड सिक्योरिटी अध्यादेश पर सरकार का समर्थन करेगी, लेकिन सरकार की सहयोगी पार्टी समाजवादी ने कहा है कि वो सरकार का साथ नहीं देगी। आडवाणी के घर पर हुई एनडीए की बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी ने खाद्य सुरक्षा में संशोधन की मांग की है, साथ ही बीजेपी पेंशन बिल पर समर्थन को भी तैयार हो गई। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक, पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पर हुई बैठक में संसद में मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी अपनी तरफ से संसद चलाने की पूरी कोशिश करेगी। अलग विदर्भ राज्य की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में विदर्भ समर्थक आज धरना प्रदर्शन करेंगे। धरने में शामिल होने के लिए नागपुर से भारी तादाद में लोग विदर्भ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं।